आरएस रऊफ की जो बात की, एंगर मैनेजमेंट भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की एक नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर रहे हैं और जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत बात कर रही है, बहुत बात कर रही है। हम तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, ये आपके क्रिकेटर ने क्या बोल दिया, हम उनको श्योर है कि इंडियन फैन है या नहीं है। वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस पर फैन की तनकीद पर हारिस रऊफ आपे से बाहर हो गए और तनकीद करने वाले फैन पर बुरी तरह लपके और उसे लाते मारने की कोशिश की। उन्हें दिगर पाकिस्तानी फैंस ने रोका और मामले में बीच बचाव कराया। ऐसा पाकिस्तानी एक इमोशनल क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी जब हम देखते हैं, जो पाकिस्तानी फैंस हैं, जब हम बात करते हैं क्रिकेट में, तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क में प्लेयर है विराट कोहली, उसे कहते हैं किंग कोहली। अच्छा, और एबी डिविलियर की बात करें, मिस्टर 360। ठीक है, समझ गया। लेकिन एज कम्पेयर टू जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो अपने प्लेयर जो है, बाबर आजम को कहा जाता है जिम बाबर, और इसके अलावा हारिस टेपिया, शाहीन लंगड़ा। यही फर्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली दोनों बीच में क्या हुआ, मगर हारिस रऊफ ने जो कहा, अगर हम उनको मान लें, या जो इंसिडेंट हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी दो व्लॉग कर चुका हूं, मैं कंडेम कर रहा हूं कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट इज के इंडिया वाला जो एंगल है, बहुत से लोग इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं, खासकर मैं फ्लोरिडा में हूं, हम जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, तो ये बड़ा डिस्कस हो रहा है कि यार इस नाम को क्यों लेके आया। मुझे याद है शदीप सिंह का जब मामला हुआ था, तो तब किसी ने ये बात नहीं की थी कि ये पाकिस्तानी फैन है, भाई ये बात हुई कि एक फैन ने बदतमीजी की है। तो नाम या टैग लगा देना एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग हैं वो माइंड करते हैं, खासकर यहाँ पर ये इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है कि आपने किसी कंट्री का, किसी नेशन का नाम ऐसे क्यों लिया। एक कंसर्न ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रेज किया वहाँ पे, ये पाकिस्तानी फैन नहीं इंडियन है, अरे भाई कहीं का भी फैन हो, आप क्रिकेटर हो, आपके फैन हर दुनिया में मौजूद हैं, आप किसी भी नेशन को लेके ये बात नहीं कर सकते। कोई भी फैन अपने इंडिविजुअल हैसियत में अगर कोई बात कहता है तो वो उसकी नेशन से नहीं जुड़ती। मैं यही देखता हूं कि हजारों फैंस पाकिस्तान टीम को, मैंने डेलिस गया, डेलिस में इतने इंडियन फैन, मैं आपको डेलिस का अपना इंसिडेंट बताता हूं। एक मैं फैंस के वॉक्स पॉप कर रहा था, एक फैन ने, मैंने इंडियन फैन से पूछा पाकिस्तान टीम इंडिया का मैच है कौन जीतेगा, तो उसने आगे से जुमला बोला जो अक्सर इंडियन हमें सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पे कहते भी कहते हैं, बाप बाप होता है। यकीन करें जो उनका बच्चा था ना, वो बच्चा अपने बाप से नाराज हो गया इस बात पे। मतलब मैं और मेरे साथ एक और जर्नलिस्ट मौजूद थे, हम ये देख के शॉक थे कि बच्चे ने अपने बाप की करेक्शन की, वो चलते हुए वापस गया, वो वापस आया, उसने आगे हमें सॉरी किया और उसने बोला कि यार प्लीज इस चीज को काट दीजिएगा, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। तो अगर आपको यही सिनेरियो है, कहीं का भी फैन है, क्रिकेट फैन है, एक इंडिविजुअल ने गलती की, आप इंडिविजुअल को एड्रेस करो। और आपको एड्रेस करना कैसे, आपको आप कोई एक दो मैच थोड़ी खेले हैं, आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, गेम के एम्बेसडर हैं, स्पोर्ट्स के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो जब आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, कोई आप अगर होता चले डेब्यू का एक आध मैच खेला होता आपको पता नहीं होता, तो आपने जब इतनी पीक देखी है, इतनी हाइप, मतलब आपने आसमान तक का फेम देखा है, तो अब आपको ये भी फेस करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे तो लोग अगर रिएक्ट करते हैं, तो आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप बढ़ते, आप जाते सिक्योरिटी के पास, सिक्योरिटी को बोलते मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, और इंसिडेंट वो आके एड्रेस करते। आपका किसी भी कैपेसिटी में ये काम नहीं था, आप फैन को जाके बढ़ते और उसको जो है ना उसके ऊपर हाथ उठाते। मैं फैन वाली जो भी उसने कहा उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, बट मैं यहाँ पे एक अपना ओपिनियन रखता हूँ, वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल हो और प्रोफेशनल्स को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपने फैन मैनेजमेंट क्या करनी है, आपने एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपने अपने आप को पब्लिक में कैरी कैसे करना है। तो हारिस रऊफ को क्या ये बात पता नहीं है कि आज के दौर में जहाँ पे 10 लोग खड़े हैं तो 4 लोगों के मोबाइल ऑन होंगे, आप सेलिब्रिटी हो, आप जहाँ पे सफ़र कर रहे हो आपके पीछे पीछे कैमरे आपके साथ चल रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से रिएक्ट भी करना है। और अगर आपके किसी ने कुछ बोला है आपको, तो आप रूल ऑफ लॉ होती है कोई चीज़, ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात की, आप खुद थोड़ी फैसला करोगे जाके हाथ पांव चला के सारी चीज़ें करके। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस तरह आगे बढ़े चले गए, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत रोका, बहुत रेजिस्ट किया, वो जितना उनको कर सकती थी वो उनसे ज़बरदस्ती छुड़ा के वहाँ तक गया, और फिर पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आई, वो हाथ उठाए बगैर वापस आ गए। अगर वो हाथ उठा देते तो अभी पुलिस केस बना हुआ होता, हम बैठे हुए थे, हमारी टिकटें कैंसिल थी, हम बारबाडोस नहीं जाते फिर। हमारे लिए हारिस रऊफ का जो केस था सबसे बड़ी यही, हम क्योंकि हमारी टीम तो बाहर हुई है, हम तो वर्ल्ड कप में मजीद कवरेज के लिए बड़े भारी दिल के साथ जा रहे हैं, बट हमारे जो प्लेयर अगर पकड़ा होता तो हम यहाँ बैठे। तो भाई यही फर्क होता है असल और कम नसल में। देखें भाई किस तरीके से जो है वो हारिस रऊफ को तपड़े पड़ी है, लाते मुखे गालियां पड़ी है भाई, उसकी वाइफ के सामने यूएसए में
पाकिस्तानी फैंस ने हारिस रऊफ को गंदी गंदी गालियां दी है दोस्तों, और हारिस रऊफ भी बिल्कुल जंजीर तोड़कर बेकाबू हो चुके हैं और भागने लगे, दौड़ने लगे जो है फैंस की तरफ। और ये तो अच्छा हुआ कि वहां पे लोगों ने रोक दिया, नहीं तो भाई दोनों की पुस्कियां बाहर आ जाती। यही फर्क है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यही फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। अफगानिस्तान की टीम हारे भी तो हम अपने टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। और जब जब अफगानिस्तान के फैंस को कहीं भी अफगानिस्तान का कोई प्लेयर मिलता है तो उनको गले लगाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनके हेड कोच ने बोल दिया कि ये भाई कोई टीम नहीं है, इनका सिर्फ नाम ही टीम है, बाकी यहाँ पर टीम होने के कुछ भी जो 1% वो भी नहीं है, क्योंकि ना कोई किसी की मदद करता है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी टीमों के साथ रह चुका हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग नशे करने वाले लोग हैं। हेलो नमस्कार हैं, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। T20 वर्ल्ड कप से तो पाकिस्तान बड़ा बेइज्जत होकर बाहर हुआ। इसी बीच पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हारिस रऊफ एक पाकिस्तानी फैन को मारने के लिए दौड़ रहा है। जिस होटल में पाकिस्तान टीम रुकी थी उस होटल के नीचे हारिस रऊफ अपनी बेगम के साथ घूम रहे थे। उसी दौरान किसी फैन के साथ हारिस रऊफ की कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद हारिस रऊफ फैन को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन कुछ लोग बीच में आ जाते हैं और हारिस रऊफ को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हारिस रऊफ कहता है कि ये इंडियन होगा, जिस पर फैन कहता है कि नहीं पाकिस्तानी हूँ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों ने हारिस रऊफ की क्लास लेना शुरू कर दिया। अब हारिस रऊफ के समर्थन में मोहम्मद हाफिज और हसन अली जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी आए हैं। इनका कहना है कि फैंस को क्रिकेटर्स के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हारिस रऊफ अपनी बेगम के साथ होटल के बाहर घूम रहे थे इसलिए फैन के कुछ कहने पर हारिस रऊफ गुस्सा हो गए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल टूर पर अपनी पत्नी, अपने घर वालों को साथ ले जाते हो तो खिलाड़ियों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। अगर हारिस रऊफ एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता तो उस फैन के ऊपर किसी देश का तमगा लगाकर उसे मारने नहीं दौड़ता। हारिस रऊफ उस फैन को अकल सिखा रहा है कि उसके बाप ने उसे किस तरह के संस्कार दिए हैं, जबकि खुद हारिस रऊफ ऐसी हरकत करता है कि उसके ही संस्कारों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। हारिस रऊफ उस फैन को कहता है कि ये पक्का इंडियन होगा, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी खिलाड़ी के दिमाग में भी इंडिया और इंडियंस के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। हारिस रऊफ ने कैसे खुद ही सोच लिया कि वो फैन इंडियन ही होगा, और इंडियन फैंस को क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली देगा, जबकि पाकिस्तान टीम इंडिया के खिलाफ हार गई थी। हाँ, अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता और हारिस रऊफ उसमें मैन ऑफ द मैच होता तो बात समझ में भी आती है। इंडियन फैंस के पास इतना खाली समय थोड़ी होगा कि वो किसी लूजर टीम के थर्ड क्लास खिलाड़ी के मुंह लगेंगे। ये अपनी पाकिस्तानी फैंस की इज्जत नहीं करते, फिर ये इंडियन फैंस की क्या ही इज्जत करेंगे। अगर ये मान भी लिया जाए कि उस फैन ने हारिस रऊफ के साथ गलत किया, लेकिन जो हारिस रऊफ ने किया वो तो उससे भी ज्यादा गलत था, और हारिस रऊफ ने इंडिया का नाम लेकर अपनी ज्यादा मेंटेलिटी भी दिखा दी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तानी कितने भी प्रोफेशनल और पढ़े लिखे हो, इनका ज्यादा माइंडसेट कभी नहीं बदलेगा। क्रिकेट तो इनसे खेला नहीं जाता, USA जैसी टीम से हार जाते हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर फैंस थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं तो उन्हें मारने दौड़ते हैं। ऐसे जाहिल क्रिकेटर पाकिस्तान के ही हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।